कि कवन करनवा छोड़ल अरे बाबा के भवनवा मट्टी लगनु पिया हो कि गाड़ी धैली ह राजा पढ़ के तू हमर चिठिया चिठिया में भेजा तानी कह के आपन हो मिठिया रजऊ हो। पॉल का कॉल में स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं प्लैनेट भोजपुरी और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनके आवाज में ये मधुरता है कि आप सुन के दंग रह जाएंगे साहब, चाहे वो फोक हो, चाहे वो हमारा ट्रेडिशनल हो, चाहे हिंदी सॉन्ग हो और जरा कभी कभी इंग्लिश भी गा लेते हैं। तो मैं आपको रूबरू कराता हूँ राकेश मिश्रा जी से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच प्लैनेट भोजपुरी को और आपके जुड़े हुए सभी दर्शकों को मेरी तरफ से धन्यवाद। हमारी भी शुभकामनाएं आपको। सर सबसे पहला सवाल, ये शौक कब शुरू हुआ? सर सही बात यह है कि मुझे ये शौक लगी ही नहीं। बचपन से ही गाते रहे होंगे तभी ये शौक नहीं, नहीं मुझे शौक लगी ही नहीं, मैं आपको वही तो बता रहा हूँ जी बिल्कुल। ये क्योंकि आपको शायद या दर्शकों को नहीं बात पता होगी, मेरे पूरे जो हम गांव में बोलते हैं ना खानदान, पीढ़ी दर पीढ़ी, अच्छा मेरे पीढ़ी दर पीढ़ी में कहीं गीत संगीत से किसी को रिलेशन नहीं है, माने विरासत में नहीं, विरासत में नहीं है। मैं जो हूँ उनकी कृपा और माँ से बड़ा सृष्टि में कुछ नहीं है, तो माँ ने शायद थोड़ा सा मुझे जगह दे दिया, उनकी कृपा है, तो मैं कहाँ से कुछ कर तो सकता हूँ भाई। यह तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई होगी जब अगर कोई भी अगल बगल दूर दूर तक कोई इस क्षेत्र में नहीं है, कला के क्षेत्र में, और आप कला में घुस गए। नहीं कला में घुसा नहीं मैं, आपको शायद पता होगा कि हमारे यहाँ पहले, अभी नहीं जी जी, अब स्कूलें बहुत आगे बढ़ गई, पहले सरकारी स्कूलों में शनिवार के शनिवार गाना गवाया जाता था जी, मैडम लोग खड़ा करा के गवाती थी, टीचर लोग गवाते थे, तो 15 अगस्त और 26 जनवरी को स्पेशली गाना के लिए कंपटीशन होती थी। अच्छा। इस गांव से ये गाएंगे, इस गांव से ये गाएंगे, इस गांव से ये गाएंगे, बस यही लाइफ की टर्निंग पॉइंट पहली थी, मैंने देशभक्ति से ही शुरू हुई। 15 अगस्त को, अब अगस्त का माहौल था तो टीचर ने बोला कि हर गांव से कौन कौन गा रहा है, तो फलाना फलाना गा रहे हैं, हमारे गांव से किसी ने हाथ नहीं उठाया, तो जो प्रिंसिपल थे वो हमारे गांव के रिलेटिव थे, एकदम दिल की सच बात बता रहा हूं, तो बोले कि यार तुम लोग तो मोहनपुर का नाम हंसवा दिए, तो मेरा साइड से एक हाथ लिया और उसने ऐसे उठा दिया, जबकि मैं कभी कभी गुनगुन आता था, आई मीन की कोई मतलब सबसे दूर दूर तक मतलब नहीं था, तो हाथ उठा दिया, हाथ उठा दिया, तो बोले कि अच्छा ये गाँव से हरी राकेश गई है, चला ठीक, चक्कर में पड़ गया कि भाई आप तो गाना गाना है बिल्कुल। तो अब आपको बता दूं असली बात यही थी, मैंने गाना एक किसी से टूटा फूटा जैसे भी हो जोड़ जाड़ के लाया जी, गाने का हेडलाइन था कि जागा जागा भारतवासी, जागा हो बीरंगना, झुकी नहीं झंडा हिंदुस्तानी जवानी, चाहे हो जाए कुर्बानी। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। तो ये गाना जब मैंने गाया तो मुझे 500 रुपया किताब कापी कलम बैट बॉल, माने उसी समय आपको लग गया होगा कि अगर गा के इतने पैसे कमाए जा सकते हैं तो ये धंधा बुरा नहीं। अब रौरा जगह पायल है ना, सही कह रहे हैं। जब 6 प्राइज मुझे मिला तो मैं गांव गया अपने, तो मुझे एक बात का शौक था कि मुझे कोई खिलाता नहीं था, और मैं नया बैट बॉल अपना लेके गया, मैंने बोला कि मैं अगर खेलूंगा कैप्टन रहूंगा तो मैं बैट दूंगा, बैटिंग भी मैं ही करूंगा। तो मुझे क्या अच्छा लगा कि जब एक गाना गाया तो 6 चीज मिला, जबकि जो भी सुन रहे हैं श्रोतागण इस बात पर ध्यान मत दीजिएगा, अभी पैसे से और संगीत से कोई ताल्लुक नहीं होता है, संगीत एक लगन होती है, लेकिन हाँ जब ये चीज़ घुस गई और उस दिन एक 8-7 साल का बच्चा को देखने के लिए पूरे बाजार पे 5,000 लोग खड़े थे, और जब सेकेंड डे मैं स्कूल आया वैसे ही पीठ पे झोरा लेके और फटा पैंट और चप्पल पहन के, पर सबने मुझे पहला आवाज़ दिया कि ब्यास जी का हलवा है ना, जो गांव में बोलते हैं ब्यास जी, ब्यास जी बोला जाता। जब ब्यास जी सुना और समोसा के दुकान पे गया तो फ्री में समोसा खिला रहा है, अरे वाह, मिठाई वाला फ्री मिठाई खिला रहा है, बाबा बड़ा अच्छा गाना गाओ, तो नहीं हम कहने की बहुत फायदा बा। अच्छा ये बताइए, ये तो फायदा था, जब आप घर गए और आपने बताया कि मैं गाना गा करके ये जीत के आया हूँ, तब पिताजी का और माँ का क्या रिएक्शन था? मैं उस टाइम बहुत सेफ था क्योंकि पिताजी नहीं थे, अच्छा। और माँ दुनिया में ऐसी चीज होती है कि कुछ भी करके आओ माँ कभी हाथ नहीं उठाती है, लेकिन बाद में बोली तो होगी कि कौन लाइन में जा रहा है लड़का, नहीं माँ इसलिए नहीं बोली, मैं बता रहा हूँ मेरी माँ, आज मीडिया के सामने ये बात मुझे शायद, मेरी माँ इस दुनिया की सबसे सीधी माँ, सबसे प्यारी माँ, मेरी माँ ने मुझे कभी ये कहने की छोड़ दीजिए, वो पूरे फैमिली में कभी पापा से नहीं कही कि आप क्या कमाते हैं और क्या लाते हैं, बहुत सीधी है, इस जमाने में वो एक माँ की रूप है। माँ क्या होती है
मैं आपको एक बात बताता हूँ, बेटा नौकरी करके आता है तो पिताजी पूछते हैं कितना कमाए, पत्नी पूछती है कितना बचाए, और बच्चे पूछते हैं पापा क्या लाए, और एक सिर्फ माँ ही ऐसी होती है जो पूछती है बेटा खाना खाए। यस यस, तो माँ तुझे सलाम, और ख़ासकर जिसकी माँ को मेरा बहुत बहुत सलाम, उन्होंने इसको इस काबिल बनाया कि आज हमें इसका इंटरव्यू लेने आना पड़ा। नहीं नहीं माँ, ये यहाँ ऐसा नहीं है, आप इंटरव्यू लेने नहीं आए हैं, मैं देने आया हूँ। मैं आज भी उतना ही छोटा हूँ, उतना ही बच्चे जैसा हूँ। और ये आपका बड़प्पन है कि आप अपने आप को आज भी बच्चा ही समझ रहे हैं। अब ये बताइए, अब उसके बाद का दौर प्रोफेशनल दौर में कब आए? देखिए प्रोफेशनल दौर में जब 2-3 साल हो गया ना, छोटे छोटे बारात में, तिलक में जी, कीर्तन मंडली में, कहीं कहीं कोई रात को बुला के रात भर गवा के सुबह में 500 नहीं दे रहा है, कोई दिन भर झाल बजवा के 200 रुपया नहीं दे रहा है, गांव के मंदिर पे जो जहां जैसे हो सके गाना दो को सुनता था, रास्ते चलते कोई पकड़ता था, अरे तू को गाना सुनावा। तो मैं आपको यहां रोकूंगा, जब इतने लोग आपसे फ्री में गाना सुने और हमारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं वो आपका गाना नहीं सुने, ये कैसे होगा? तो फ्री में वो गाना, देखो फ्री का मतलब मैंने सुर वाला गाना प्यार। मैं आपके लिए जब तक मेरे शरीर में खून है और जब तक ऊपर वाले ने सांस दिया है, मरने के दिन तक आपके लिए ही गाऊंगा और आपके लिए ही गाता रहूंगा। आपसे मुझे पैसे रुपए नहीं चाहिए, 2 पैसा दे देते हैं तो ये सोच के कभी मत दीजिएगा कि मैंने पुरस्कार दिया है, ये सोच के दीजिएगा कि मेरा जीवन यापन सब कुछ ये गायकी ही है, मैं इससे जुड़ा हूँ, तो ये मेरा बिजनेस भी नहीं है, ये मेरा सच में लगन है, बस इससे 2 पैसा कमा लेता हूँ तो शायद मेरा भी परिवार चल जाए। तो इसी बात पर एक गाना हो जाए कि गाड़ी धैली है राजा, पढ़ के तू हमर चिट्ठिया, चिट्ठिया में भेजा तानी कही के आपन हो मिठिया, रजऊ हो तू घर चलिया बहो, हमरा के नंदू तड़पा बहो। ये गाना पहला एल्बम था मेरा, बहुत प्रोफेशनल एल्बम। और अब तक आपके कितने गाने आ चुके हैं और कितने एल्बम आ चुके हैं, मैं ये जानना चाहूँगा। सर आपके आशीर्वाद से इन लोगों ने इतना गवा दिया है पब्लिक लोगों ने कि मुझे काउंटिंग भी याद नहीं है। मैंने कहा था ना कि एक गोल्डन वॉइस को आपके पास लेके आ रहा हूँ, गिनती नहीं है पर सोना खरा सोना है। एल्बम में आपका एक तो माँ से मैं पूछूँ कि या एक शख्स से पूछूँ कि आपके आप कौन सी उंगली अपनी काटना चाहेंगे तो वो हो नहीं सकता, लेकिन उसके बाद भी कभी लगता है कि ये उंगली ज़्यादा काम करती है, तो कौन सा ऐसा गाना आज तक का आपका सबसे पसंदीदा गाना रहा? भोजपुरी सिंगिंग में जी मैं अपनी बात बता रहा हूँ बिल्कुल, और भोजपुरी जगत की बात बता रहा हूँ कि मैं हमेशा वो सिंगर बन के रहना पसंद किया जो कि कुछ भी गाए तो पर्दे में गाए। बिल्कुल, माहौल अगर चेंज हुआ तो माहौल के हिसाब से मैं भी थोड़ा बहुत कुछ गाया, लेकिन वो मेरी मजबूरी रही। अगर हमेशा मैंने कुछ गाना पसंद किया तो हमेशा ट्रेडिशनल सॉन्ग, पारिवारिक सॉन्ग, लोकगीत भी गाया तो ऐसा गाया कि आप अपने माँ बहन बेटी के साथ बजाइए, तो सब कुछ पर्दे में हो। देखिए मैं एक ही बात बोलता हूँ, बाप को पता है कि बेटा का शादी हुआ है तो पत्नी आएगी, उसको पता है, उसके ये भी पता है कि आगे क्या होगा, ये सृष्टि का नियम है, सबको सब कुछ पता है, लेकिन हर पत्ते के पीछे एक पर्दा डाला गया है। सही, पर्दे में रहना मुझे पसंद है बहुत, और मैं आज भी साफ सुथरा गीत का बहुत सपोर्टेड हूँ, मैं खुद भी बोलता हूँ, और मेरे लाइफ का मुझे सबसे अच्छा एक गीत लगा जो मुझे आज भी पसंद है, मट्टी लगनू पिया। हर की कवना करनवा छोड़ला, अरे बाबा के भवनवा मट्टी लगनू पिया हो, कि कवन करनवा छोड़ल हरे बाबा के भवनवा मट्टी लगनु पिया हो, मट्टी लगनु पिया हो, कि कहिया ले जाइब गवनवा मट्टी लगनु पिया हो। क्या बात है, बहुत खूब, यूं ही हमारे इस माटी के लाल को आपका आशीर्वाद मिलता रहे और ये यूं ही बुलंदियों पे छाया रहे। Planet Bhojpuri.